नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि पर मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कहा कि जनसंघ काल से ही पार्टी की विचारधारा और कार्यक्रमों को सुदूर वनवासी क्षेत्रों में भी जन जन तक पहुंचाने में कैलाशपति मिश्र जैसी विभूतियों का अमूल्य योगदान है। उनके बताए रास्ते पर चलना हमारे लिए बड़ी बात होगी। वहीं भाजपा कार्यालय मंत्री हेमंत दास ने कहा कि मिश्र ने अपना संपूर्ण जीवन पार्टी के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। उनका झारखंड के प्रति गहरा लगाव था, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, एक मामूली कार्यकर्ता से आज एक शिखर तक पहुंचने वाला है, ये और कोई किसी पार्टी में ये चीज़ नहीं है। हमारा भाजपा में एक मामूली कार्यकर्ता थे, आज वो भीष्म पितामह हमारे और इनसे हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक अदना सा कार्यकर्ता से, आप देखिएगा बीजेपी में अदना सा कार्यकर्ता आज सांसद, विधायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, तो हम लोग को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए और हमको पार्टी के प्रति समर्पित होकर काम करना चाहिए। एक बीजेपी पार्टी ही है जो कि अंतिम व्यक्ति का, अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति के बारे सोचती है, और एक मामूली कार्यकर्ता इस पार्टी में सांसद, विधायक से लेकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अंतिम मिश्र के उनके छत्र छाया में उनकी ये में हम लोगों ने राजनीतिक सीखा है। मेरे जब जो ज्ञान है, उन्होंने जब एकीकृत बिहार था तो उनका एक अलग सा स्नेह झारखंड के प्रति था, और एक एक कार्यकर्ताओं के उनका जो अपनात्व तो था, अपनापन एक था, और किस तरीके से उनकी जो शैली थी, जो हर को आकर्षित करने का उनमें एक कला था, और अच्छे बुरे सब चीज़ का उनका ज्ञान था, और एक एक क्षेत्र के बारे, एक एक कार्यकर्ताओं के बारे उनकी अद्भुत क्षमता थी, जो उनको सबको पहचानने का और ये करने का। तो ये श्रद्धेय माननीय कैलाशपति मिश्र जी हमारे, समझिए कि सच में हम लोग का एक वर्ड ब्रिज के रूप में थे। आज हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनके सोच और उनके विचारों को हम लोग अपनाते करते हैं, और इस तरह से ही हम लोग आदर सम्मान के साथ आज भी उनका याद करते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि आज भी उनका, हम लोग का जो आशीर्वाद आज भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश को, उनके कार्यकर्ताओं को मिला है।